So it's a cause where it's a double celebration today. Ritesh's birthday and Sati Noble Faith ka launch hai. Kya kehna chahenge? He has told us none of these things. उसने मुझे फोन करके कहा कि भाई बहुत दिनों से पार्टी नहीं हुई, आज पार्टी कर लेते हैं। तो I am not completely surprised. Noble Faith है क्या? और कितना पार्टी कर पाते हैं इमरान खान usually? सच कहूँ तो कुछ 7-8 महीने बाद हम घर से बाहर निकल के पार्टी कर रहे हैं. This is our first real outing since Amara was born here. Okay. For the past couple of months we've been at home only. We've been busy on baby duty. It's our first proper outing here. Yeah. otherwise for our birthday we went out for dinner, but that also wrapped up well. Yeah. 40 days ka samay bhi khatam ho gaya. Can we have a darshan of the angel? Kuch dinon baad we'll bring her out for her first proper outing. It won't do justice. We'll bring her out and introduce her to you guys properly. Imran, पता है मैंने भी पहले पढ़ा कि काफी तारीफ हुई थी आपने जिस तरह से मीडिया से मतलब इतनी मतलब understandably thoughtfully मतलब किया था कि मतलब like came out and gave the photo of ये काफी broad mindedness है आपकी मीडिया की. नहीं, I feel that we've always had a good relationship. Media has always been very very nice to me and I have tried to be very polite with them. I think through my career we've always had a good equation. आइडियल सिचुएशन तो यही होगा क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्टार्स और मीडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर इन दिस टुगेदर वी नीड ईच अदर इक्वली. बहुत ही जरूरी है कि रिलेशनशिप अच्छा हो. एब्सोल्युटली. और मेरी फैमिली तो मीडिया ही है तो बाबूजान का पिक्चर का पोस्टर कैसे लगा? सॉरी, बाबूजान का पोस्टर और इट्स ऑल देखे का पोस्टर कैसे? आई थिंक ही स्टार्टेड अ वेरी वेरी गुड ट्रेंड. या आप भी फॉलो करेंगे? हां हां, आप भी उसको फॉलो करें. भाई आजकल मैं अपने 8-9 पैक्स को डेवलप कर रहा हूं. नेक्स्ट ईयर आई विल आल्सो डू. आप भी करेंगे? क्यों नहीं, बट ट्रांजिशन की जगह क्या? भाई सी आई एम फ्रॉम द न्यू जनरेशन, मैं आईपॉड का इस्तेमाल करूंगा. अभी एक और पोस्टर रिलीज करने वाले हैं तो कितनी भी है उसमें कम होता जाएगा दैट मच आई डोंट नो अबाउट. ओके, यू नो इमरान, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि इस फिल्म में क्या बने हैं, वो क्या होगा. आपने क्यूरियोसिटी के लिए पूछा उनसे कि आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? नहीं, सच कहूँ तो मैंने पूछा नहीं उनसे. बट वैसे भी वो काफी सीक्रेटिव हैं. ही लाइक्स टू सरप्राइज पीपल, चाहे वो ऑडियंस हो या उनका फैमिली. ही ऑलवेज लाइक्स टू लाइक्स पीपल टू रिएक्ट ऑर्गेनिकली. दे शुड नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. वो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? ये भी पिता बनने वाले हैं आप. कांग्रेचुलेशंस. कुछ कांग्रेचुलेशंस ओनली. आपकी पोस्टर आई हुई है कंगना के अंदर. अच्छा, वेरी गुड. वेलकम सर, हेलो टू ऑल. होने वाला है, बस होने वाला है 5 मिनट में. हाय, मैं हूं इमरान खान और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. Holidays? No, I'm working. Shoot पे. जी. कैसा रहा? बहुत अच्छा है. आज के इस प्रायोजन के बारे में बताना चाहेंगे? आने का सिद्धवानी ने बुलाया और मुझे लगता है नोबल फेथ डॉली उनकी बीवी का एक इनिशिएटिव है. आई थिंक वी आर हियर टू विश ऑल द बेस्ट इन हर एंडेवर एंड सेलिब्रेट रितेश's अपकमिंग बर्थडे. नहीं, आई थिंक पीपल ऑफ महाराष्ट्र हैव बीन रियली काइंड कि उन्होंने जाकर लय भारी को इतना प्यार दिया और इतने बड़े तादाद में जाकर एक मराठी फिल्म को देखा. सो थैंक यू सो मच. और इट्स बीन अ ग्रेट ईयर सो फार, सो लुकिंग फॉर टू बेटर वर्क इन द फ्यूचर. बैंक चोर भी आने वाली है, काफ़ी कमाल का नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, नहीं आई, इट्स अ इंटरेस्टिंग फिल्म. बाई फिल्म की ये फिल्म है बैंक चोर. आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क विथ यशराज बैनर फॉर द फर्स्ट टाइम. चोरी पर एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ आज, हैप्पी न्यू ईयर. जी, आप देख पाए ट्रेलर? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया. मुझे लगता है कि फारा खान, आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव.
दिस कंट्री. एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म उन्होंने बनाई है, प्रोमो से जाहिर पता चलता है. और दो मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं, अभिषेक और शाहरुख उसमें. सो आई एम रियली एक्साइटेड. दीपिका, बमन, सोनू, विवान, ऑल ऑफ देम आर रियली एक्साइटेड. यस, yes, happy independence day to everyone including me, and I think we should make our country proud in whatever we do. Thank you. And दिल धड़कने दो. Exactly. So what do you, first of all, what do you say about PK's poster, Naked Army? What do you have to say about it? Yeah. As in? Like, what do you think? How cool is it? I think in the context of the film, it makes sense. There's been a lot of talk about it, and a lot of people have had an objection to the thing. But I think once people watch the film, they'll know that there's a reason for doing this, and also. Raju Hirani and Amir Khan, they hold some amount of credibility, a lot of credibility actually. So obviously they're not going to do something for cheap thrills. So if it's there, it's there for a reason. And when you all come to watch the movie, you will be satisfied. Are you proud of the fact that actually you are Rajkumar Hirani is heroine? Yes, I'm very proud of the fact that I'm doing a film with him. He's a fantastic director. I think someone whose films you can watch all the time. And I get really emotional. And I remember when I was shooting for Band Baja Barat, at that time I saw Three Idiots, and I was just amazed, and I was just looking at it, and I was like, I hope I get to be in a film like this. And now that I am, I feel very proud. So feel very happy. It is in the comparisons of Three Idiots, the film. Hopefully we'll do better than that also, because that, I think that's their intention, Raju Hirani's and everyone else. Anushka, बहुत ही अलग dress पहन के आई हूँ. बताइए आप अपनी dress के बारे में. अभी तक जितने भी लोग आए, a lot of flowers and makes a lot of sound. So like it's like for the sight and for the ears. 5 cents. Fashion में My friend meeting. काफी समय बाद अब मीडिया के सामने आई हूँ, you know. Really, मैंने realize नहीं किया. Only जब आप लोग बोल रहे हो मुझे ऐसे लग रहा है. नहीं, आप बहुत टाइम बाद मीडिया के सामने आप खुद observe करेंगे कि आपने अंदर किस सवाल का जवाब नहीं दिया है. Sorry, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ. सवाल क्या थे कि खबरें छप रही थी विराट कोहली की फॉर्म को लेकर, etcetera, etcetera. अगर आप थोड़ा सा भी कुछ कहना चाहें. I think the only form I want to talk about is Shilpa Shetty's form, which is like fabulous, and that's the only form I can talk about right now. I just focus on her form because she's so hot. Thank you. हाँ यार, मैं किल्लर की शूटिंग कर रहा था तो इस वजह से. नहीं नहीं, वो किल्लर का पोस्टर नहीं है जी, वो माय नेम इज रणवीर सिंह जो एक म्यूजिक वीडियो बनाया है मैंने और साथ में वो उसका है. हाँ यार, लोगों को पसंद आ रहा है तो आज मैं बहुत खुश हूँ. हाँ, ये एक्चुअली दिल धड़कने दो के लिए काटे थे, तो सोचा आज कुछ अलग स्टाइल ट्राई करूँ. तो मतलब ये निकल के आया है, सोचो इतनी एनर्जी जाते कहाँ से. मतलब खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता ये कौन सा गाना है. आई थिंक आई लाइक इट. हाँ, मैं अंदर डांस करूंगा. हाँ जी, सुबह 11 बजे भी यही इतने एनर्जेटिक रहते हैं, रात को 2 बजे भी यही एनर्जी रहती है. मतलब पता नहीं क्या. वन क्वेश्चन रणवीर की, आप अंदर जाएंगे, बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं वहाँ पे, कई फ्रेंड्स हैं, प्रियंका भी है, सॉरी दीपिका भी है वहाँ पर, अनुष्का भी है. जी जी जी. ऐसी सिचुएशन में कैसे अपने आप को संभाल पाते हैं? मतलब उनके अलावा भी और काफी सारे लोग हैं. रितेश साहब है जिनको मैं पहले मिलूंगा, एंड देन आई टेक इट फ्रॉम देयर. आप हमेशा बताया जाता है पार्टी की रौनक रहती है, कई बार मेजबान होता है उसकी जगह आप खुद आ जाते हैं. हाँ जी, जो मेजबान होता है होस्ट, खुद आप बन जाते हैं. हाँ नहीं, ऐसा नहीं. आज के होस्ट रितेश साहब. ओके, तो अब मैं जाता हूँ. थैंक यू एंजॉय. अरे इधर आप, यंगिस्तान की आवाज है यार. रणवीर इंडिपेंडेंस डे. रणवीर पहले पोज़ है.
पिंग पोंग पाड़े का चिंगदादा हूँ, आवारा ख्वाबों का शहजादा हूँ, लाओ फलक से अरक ला के दो, प्याला पीने पर आमादा हूँ, पैक दो पैक का पीना भी क्या, प्यासा रहकर जीना भी क्या, 24 घंटे नशे में जी, दिन और साल महीना भी क्या, तो क्या लिखा है गुलजार साहब ने, वाह वाह वाह, sounds like it, I've been a good boy too long, मैं बहुत पिंग-पोंग पाड़े का चिंगदादा हूँ, आवारा ख्वाबों का शहजादा हूँ, लाओ फलक से अरक ला के दो, प्याला पीने पर आमादा हूँ,